हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में गाउन की स्टिचिंग करना बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गाउन की कटिंग करनी बताई है, उसे मैंने फुल कटिंग की वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ये गाउन का फाइनल लुक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लहंगा, गाउन, ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डे बाय डे अपलोड करती रहती हूँ। अभी इस गाउन की स्टिचिंग करेंगे तो गाउन का टॉप पार्ट है, एक इनर पार्ट है इसका और एक मेन फैब्रिक है। मैंने गोल्डन कलर का रेडीमेड नेक डिज़ाइन ले लिया है। सबसे पहले मेन फैब्रिक पर इनर पार्ट को अटैच कर लेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। मेन फैब्रिक पर इनर को अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर। अब टॉप पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। पहले फ्रंट वाला नेक रेडी करेंगे। रेडीमेड नेक को सेंटर से फोल्ड कर लिया है और फैब्रिक के फोल्डेड साइड नेक का फोल्डेड साइड रखेंगे और टॉप पार्ट के ऊपर नेक डिज़ाइन को इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब नेक के बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब नेक डिज़ाइन को हटा देंगे। देखिए, नेक विड्थ 3.5 हो गई है और नेक लेंथ है 3 इंच। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे और नेक के डिज़ाइन को भी इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। राइट साइड से नहीं रखना है हमें, नेक डिज़ाइन को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। नेक के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई को बचाकर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, जिससे नेक ईजिली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। नेक को राइट साइड टर्न कर दिया है। सुई की हेल्प से दोनों साइड से इस नेक को सील देंगे, क्योंकि इस पर मशीन नहीं चलती है, इसे मोती है वो टूट जाएंगे। तो नेक डिज़ाइन को रेडी कर लिया है दोनों साइड से सिलाई लगाकर। फ्रंट नेक को रेडी कर लिया है। अब सेम तरीके से बैक नेक को भी रेडी कर लेंगे। तो बैक वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर इनर फैब्रिक को भी सेम फोल्ड कर लिया है। दोनों पार्ट को फोल्ड कर लिया है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ सेम 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। नेक लेंथ 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर देंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर और इनर फैब्रिक दोनों पर नेक की कटिंग कर ली है। मैंने ओरेब की स्ट्रिप ले लिया 1.5 इंच की। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसमें से डोरी बना लेंगे। इस स्ट्रिप के ऊपर सिलाई लगा ली है। एक पैर की सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। अब मैंने ये सुई ले लिया है, एक साइड से इसमें 3 से 4 बार इसको सील देंगे और सुई को उल्टी साइड से इसके अंदर डाल देंगे और दूसरी साइड से इस सुई को निकाल देंगे। दूसरी साइड से सुई को निकाल लिया है। अब सुई को खींचते जाएंगे और बैक साइड से फैब्रिक को अंदर की साइड पुश करते जाएंगे। डोरी निकालते टाइम बैक साइड से फैब्रिक फोल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट एक बार जब फैब्रिक बैक साइड से फोल्ड हो जाता है तो डोरी बिल्कुल आसान तरीके से एकदम निकल जाती है। देखिए, डोरी अंदर की तरफ फैब्रिक जा रहा है। एक हाथ से खींचते जाएंगे और दूसरे हाथ से फैब्रिक को अंदर की साइड पुश करते जाएंगे। देखिए, डोरी बन के बाहर आ गया। अब डोरी को एक साइड से पकड़ लेंगे और फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करते जाएंगे। तो देखिए, पतली डोरी बन के रेडी हो गई। यहाँ से धागे को कट कर देंगे। मैंने इस डोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है
और मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ है 7 इंच और विड्थ है 3.5 इंच। पहले इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे सेंटर से, उसके बाद एक कॉर्नर को मिला लेंगे, कॉर्नर पर टेप रखेंगे और 3.5 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इसके लटकन बनाएंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो मैंने सेम साइज़ का ये फैब्रिक कट कर लिए हैं और ये डोरी ले ली है। अब इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डोरी को इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लटकन के ऊपर डबल सिलाई लगा लिया है। अब लटकन को राइट साइड से टर्न कर लेंगे, उसके बाद दूसरा लटकन रेडी करेंगे, फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और डोरी को इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद फैब्रिक को एक बार और टर्न कर देंगे, इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगा के इसको लॉक कर देंगे। इस लटकन को भी लॉक कर दिया। अब इसको राइट साइड से फोल्ड कर लेंगे। लटकन को बॉटम साइड से पिको कर लिया है। इसी तरीके से तीसरे लटकन को भी अटैच कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से मैंने 3 लटकन ऑलरेडी बना दिए हैं। अब फोर्थ वाला लटकन भी इसके ऊपर इसी तरीके से अटैच कर देंगे, इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसको राइट साइड से टर्न कर देंगे। एक लटकन रेडी हो गया है। सेम तरीके से इसका दूसरा लटकन बनाएंगे। सिंपल दोनों लटकन बना के रेडी कर दिए हैं। अब मैंने 2 पार्ट ले लिए हैं फैब्रिक के, जिसकी विड्थ है 4 इंच और लेंथ है 8 इंच। इस फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला देंगे और इसके दूसरी साइड से भी दूसरे कॉर्नर को इस मिड वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब दोनों साइड से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। सेम साइज़ के फैब्रिक के 4 पार्ट कट कर लिए हैं और मैंने ये डोरी ले ली है। लटकन वाली डोरी को इस फैब्रिक के अंदर डालेंगे और इसके ऊपर दूसरा फैब्रिक रख देंगे। अब इसके दोनों साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और डोरी को सेंटर में ही रखना है। यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं डोरी के दूसरी साइड भी वी शेप का डिज़ाइन बना दिया है फैब्रिक से और इसके ऊपर प्रेस कर लिया है। अब इसको बैक नेक पर अटैच करेंगे। अब बैक वाले नेक को रेडी करेंगे। ऊपर की साइड से 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। डोरी के लिए मार्किंग कर ली है। अब इनर वाले फैब्रिक को हटा देंगे। गोल्डन कलर की पाइपिंग को नेक के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर इसके बाद डोरी को अटैच कर लेंगे और इसके दूसरी साइड भी डिज़ाइनर डोरी को अटैच कर लेंगे। अब डिज़ाइनर डोरी को इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर इनर पार्ट को रखेंगे। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दी है। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, जिससे ना कि ईजली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब इनर फैब्रिक को दूसरी साइड फोल्ड कर देंगे। इनर फैब्रिक को दूसरी साइड फोल्ड कर दिया है। अब इस नेक के ऊपर और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। नेक के ऊपर सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ और चारों तरफ सिलाई लगाकर इनर अटैच कर लिया है और बैक नेक बनके रेडी हो गया है। गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे और शोल्डर पर डबल सिलाई से लॉक कर देंगे। गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब गाउन के बॉटम पार्ट पर इनर अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट को उल्टी साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर इनर पार्ट रखेंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लिया है। गाउन के बॉटम पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच कर लिया है। गाउन के टॉप पार्ट को राइट साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टी साइड रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स के गाउन के टॉप पार्ट पर अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब गाउन के टॉप पार्ट को राइट साइड से रखेंगे, इसके ऊपर बॉटम पार्ट को रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच करके सिलाई लगा देंगे।
गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब गाउन को उल्टी साइड से टर्न कर देंगे। गाउन को उल्टी साइड से टर्न कर दिया है और दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ दोनों साइड सिलाइयाँ लगा देंगे। गाउन के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दी है। अब गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दिया है और फाइनली अम्ब्रेला गाउन बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल आसान तरीके से फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के गाउन की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।